हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन एक और एसएमई आईपीओ ग्रीन हाईटेक वेंचर्स का, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट ये फाइनल डिसीजन नहीं है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, और ऐसे डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बींग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, या फिर बूस्टर STP हो, या आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को आपके गोल्स आपके रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये ट्रेड करते हैं वेरियस पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट्स में, टेलर टू डाइवर्स इंडस्ट्री नीड्स, जिनमें आ जाती हैं बायोफ्यूल्स, बिटुमन एंड फर्नेसिस ऑयल वाली इंडस्ट्रीज। और कंपनी मेनली एक्टिवली इंगेज होने वाली है इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इन गवर्नमेंट ओन्ड डिस्टिलरीज। ये कंपनी नॉन गवर्नमेंटल कंपनी होने वाली है, जो प्रोवाइड करती है बिजनेस सॉल्यूशन टू कंज्यूमर ऑफ फ्यूल्स एंड अल्टरनेटिव मटेरियल अक्रॉस इंडिया। और कंपनी वेल नोन होने वाली है पूर्वांचल बेल्ट ऑफ UP इन इंडिया में, और कंपनी का मेन ऑफिस होने वाला है वाराणसी में। एज ऑफ 31 जनवरी 2024 कंपनी के पास 68 पीपल्स होने वाले हैं इन एम्प्लॉयमेंट में। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करते हैं, काम अच्छा है, बट जिस तरीके का काम है कि एक बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, तो ऐसे में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 12th of April को, 16th of April को क्लोजिंग डेट, अलॉटमेंट होगी 18th of April को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19th of April को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 19th of April को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 22nd of April की, फेस वैल्यू रहेगी 10 rupees पर शेयर की, प्राइस होने वाला है 50 rupees पर शेयर का, लोड साइज होने वाला है 3000 शेयर का, टोटल इशू साइज है 6.3 crore का। काफी छोटे साइज का आईपीओ होने वाला है, जहां पर हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, रिस्क के साथ साथ हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा छोटे साइज का आईपीओ होता है वहां पर हमें बहुत बड़े बड़े धमाके देखने को मिल जाते हैं ऑन आइदर साइड। मतलब कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी कई गुना हो जाता है, और अगर बाई चांस लॉस होना हो तो वहां पर भी काफी मेजर लॉस हमें देखने को मिल जाता है। BSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का, HNI में 50% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 3000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,50,000 rupees की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 lots के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 3 lakh rupees की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर नावेल इकबाल, मोहम्मद नदीम कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, पोस्ट इशू आ जाएगी 73.19% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर हमें काफी मेजर दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर हम सबसे पहले टोटल असेट की बात करते हैं, 2021 में था 23.78 crore का, जो हल्का फुल्का ही इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है पहले 9th month ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर में 26.77 crore का। और अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 40 crore का, नेक्स्ट ईयर 66 crore का, बट 2023 में ओनली 25 crore का, और पहले 9th month में तो सिर्फ 3.35 crore का। जहां पर तो काफी बड़ा हमें डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज तो क्या होने थे, वहां पर हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले, और अच्छे खासे डिक्रीज होते हुए देखने को मिले। अब रीजन जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट मेन सिनेरियो की जहां पर हमें रेवेन्यू में जो फिगर्स देखने को मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा दिक्कत वाले होने वाले हैं, जिसकी वजह से इस आईपीओ से मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो चुका था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो 2021 में था 24 lakh का, नेक्स्ट ईयर 2022 में 1.35 crore का, 2023 में फिर से हमें डिक्रीज देखने को मिला 57 lakh का,
और 2024 के पहले 9 मंथ में सिर्फ 35 लाख का, फिर से काफी बड़ी दिक्कतें। नेटवर्थ कंपनी के पास 4.5 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस में 1.12 करोड़ का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है 4.31 करोड़ की। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं इस कंपनी की, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। और अभी तक के जितने भी आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं रिसेंट में, तो वहां पर सबसे वीक जो फाइनेंशियल मुझे देखने को मिले हैं वो इस कंपनी के देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट डिसीजन बन चुका था कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 23.5 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% की कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 17% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.95 की कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.8% की कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.62 का। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें यहां पर अच्छा देखने को मिल रहा है, बट सिर्फ 2024 के जो हमें फाइनेंशियल देखने को मिले हैं वहीं पर ही हमें इतना अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, और आईपीओ जस्ट आने से पहले वहां पर इतने अच्छे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, जिसके बारे में मैं इस फिगर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं फंडामेंटल में, बट ईपीएस की बात करते हैं प्री आईपीओ 1.66 की, पोस्ट आईपीओ 0.91 की, काफी ज्यादा कम है। पीई की बात करते हैं प्री आईपीओ 30 की एंड पोस्ट आईपीओ 54.95 की। ओवरऑल में मैं फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटल्स में भी हमें इतने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ एक रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयमेंट था जहां पर थोड़ी बहुत हमें अच्छी चीजें देखने को मिली है, अदरवाइज फंडामेंटल्स भी हमें इसके अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी 0% का ही हमें देखने को मिल रहा है, बट क्योंकि आईपीओ का साइज काफी ज्यादा छोटा है, तो वहां पर हो सकता है कि हमें थोड़ा वो जीएमपी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाए, बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग, तो वैल्यूएशन वाइज भी ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, वहां पर कंपनी ये आईपीओ अपना सस्ता नहीं लेके आ रही है, तो वहां पर एक वैल्यूएशन ही इंपैक्टेड पॉइंट था कि शायद वहां पर वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ हमें सस्ता देखने को मिल जाए, तो वहां पर भी कंपनी ने लिस्टिंग परस्पेक्टिव हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी है। तो ओवरऑल में यहाँ पर इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा होने वाले एज कम्पेयर टू पॉजिटिव पॉइंट, जिसकी वजह से मेरा इस आईपीओ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट कम हो चुका था। बट आप लोगों का क्या होने वाला है इस आईपीओ में डिसीजन, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ हमने सिर्फ कंपनी को जहाँ पर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।